नमस्कार दोस्तों, मैं सी अभिषेक शर्मा आज फिर सिटी लाइव में आपके साथ हूं। और आज जैसे सब लोग को पता है कि टैक्स का सीज़न चल रहा है, टैक्स ऑडिट का सीज़न चल रहा है, तो आज हम लोग लेकर आए हैं आपके बीच में मुद्दा टैक्स ऑडिट। जी हाँ, इनकम टैक्स की ऑडिट में क्या नए नए इंपॉर्टेंट चेंजेस आए, क्या नए नए इशूज़ आए, कैसे हम लोग कवर करें उसको, इंडस्ट्रियलिस्ट क्या ध्यान रखें, जो CAs हैं जो टैक्स ऑडिट करने वाले हैं वो किस तरह से इन पॉइंट्स को कवर करें, ये पूरा आज हम लोग डिस्कस करें टैक्स ऑडिट में आपके बीच में। जुड़े रहिए सिटी लाइव। आज हमारे बीच में टैक्स ऑडिट के ज्वलंत मुद्दे को डिस्कशन करने के लिए हमारे बीच में है CA विवेक चतुर्जी। आप इनकम टैक्स के एक्सपर्ट हैं और कई सालों से CA की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। साथ ही हमारे बीच में है CA धीरज बोरड़ जी, आप भी इनकम टैक्स एक्सपर्ट हैं और टैक्स ऑडिटर हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे दोनों आए हुए मेहमानों के साथ में कि टैक्स ऑडिट में क्या हम लोग विशेष बातों का ध्यान रखें। पहला क्वेश्चन मेरा जो रहेगा वो रहेगा विवेक चतुर्जी के लिए। विवेक जी, आप बताएं कि टैक्स ऑडिट क्या चीज़ होती है और क्यों अनिवार्य है? टैक्स ऑडिट हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 44AB के तहत होती है। जो भी व्यापारी गण जिनका बिजनेस टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ऊपर है उन्हें ये कंपलसरी है ऑडिट कराना, या प्रोफेशनल भाई जिनका जिनकी ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से ऊपर है उन्हें भी ये अनिवार्य है। इसी प्रोविजन के तहत ये ऑडिट होती है। इसकी हम बात करें तो ये सन 1984 में पहली बार टैक्स ऑडिट चालू हुई थी जी। उसके बाद लगातार बहुत सारे चेंजेस आए जी। धीरे धीरे चेंजेस होते होते पहले 32 क्लॉजेस हो गए थे लास्ट टू लास्ट ईयर, लास्ट ईयर 41 क्लॉजेस हो गए थे, और इस साल अभी रिसेंटली अमेंडमेंट आया है जो CBDT ने चेंजेस करे हैं जी। जो लागू हैं अभी 20 अगस्त से जी। तो अब पूरे 50 क्लॉजेस 3CD रिपोर्ट में हो गए हैं, 50 क्लॉज आ गए हैं। तो टैक्स ऑडिट करने के बाद को इनकम टैक्स में कोई फॉर्म भी फाइल करने पड़ते हैं? जी, 3CD फॉर्म, 3CA या 3CB फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म होता है, और 3CD फॉर्म जिसमें जो अनेक्षर है 3CB का जी। उसमें पूरे इनकम टैक्स के प्रावधानों का एक समरी है जी। जिसे अपलोड करना होता है, ऑनलाइन फाइलिंग इसकी होती है जी। जो CA और SSE दोनों के डिजिटल सिग्नेचर से अपलोड की जाती है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अपलोड की जाती है जी। धीरे जी, आप बताएं प्रेजम्प्टिव टैक्सेशन का क्या कंसेप्ट है टैक्स ऑडिट में? जैसा कि विवेक जी ने बताया था कि जो व्यापारी जिनका 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है उनको तो ऑडिट करानी ही पड़ती है, पर साथ ही साथ गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन ये भी दिए हैं कि जिन व्यापारी का जिनका कि टर्नओवर कम है और वो अपना शुद्ध नफा जिसे कहते हैं नेट प्रॉफिट, अगर वो 8% या 6% से कम आता है और उनकी मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टैक्स से ऊपर भी होता है तो भी उनको ऑडिट करानी बहुत ज़रूरी होती है जी। ताकि वो ऑडिट करा के अपना जो शुद्ध नफा है वो 6 या 8% से कम दिखा सके। उसके इसमें भी उनको इनकम टैक्स साइट पे जाके आपके ऑडिट फाइलिंग वगैरह सब करनी पड़ेगी जी। प्रोसीजर वही रहता है जी, जैसा कि मेन 2 करोड़ से ऊपर वाले। बिल्कुल बिल्कुल। विवेक जी, आप मुझे बताएंगे अगर कोई SSE जिसके ऊपर टैक्स ऑडिट की लायबिलिटी है वो टैक्स ऑडिट नहीं करवाता है, नॉर्मल रिटर्न फाइल कर देता है, तो क्या कोई पेनल्टी उसके ऊपर है? जी, इनकम टैक्स के प्रावधानों के अनुसार ऐसा SSE जिस पे ऑडिट कंपलसरी है और वो ऑडिट नहीं कराए तो 0.5% ऑफ टर्नओवर या 1.5 लाख रुपए जो भी कम है वो शास्ति उस पे लगाई जाती है, वो पेनल्टी उस पे लगेगी। टर्नओवर किसी का अगर 1 करोड़ रुपए का है, उसने अगर ऑडिट नहीं कराई है तो 50,000 रुपए उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी टैक्स ऑडिट नहीं कराने की। धीरे जी, आप बताएं इस बार टैक्स ऑडिट में क्या कुछ ऐसा नया आया है? जैसे लोग GST को लेके बात कर रहे हैं कि GST आने के बाद टैक्स ऑडिट बहुत ज़्यादा टिपिकल हो गई है, तो किस मायने में वो टिपिकल हुई है, क्या पॉइंट्स ध्यान रखने वाले हैं GST से रिलेटेड, और क्या रिपोर्टिंग पार्ट GST का टैक्स ऑडिट में बढ़ गया है? जैसा कि सभी को पता है कि GST एक्ट अपना 1 जुलाई 2017 से लगा था, तो वो साल जो 17-18 है उसके बाद ये पहला साल है कि जब GST के ऑडिट के अंदर, टैक्स ऑडिट के अंदर GST के सारे प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी चेंजेस करके जो भी नया ऑडिट फॉर्मेट बनाया है उसमें GST संबंधी काफ़ी जानकारियां व्यापारियों से चाही गई है जी। उसको सारी की सारी चीज़ जो जानकारी मांगी गई है वो एक CA के ऊपर उन्होंने दायित्व डाल दिया है कि CA सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हुए और GST संबंधी जानकारी भी अपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर देवे। तो इसलिए
तो जीएसटी को लेके जो जीएसटी एक्ट चल रहा था वो तो अपने आप में था ही, अब उस जीएसटी का इम्पैक्ट इनकम टैक्स के ऑडिट के अंदर भी इतना आ गया है कि जिसकी गवर्नमेंट हमसे इन्फॉर्मेशन मांग रही है, तो इसलिए लोगों में भी जीएसटी को लेके और टैक्स ऑडिट में जीएसटी के इम्प्लीकेशंस को लेते हुए भी काफ़ी कुछ। क्या क्या ऐसी टिपिकल इन्फॉर्मेशन जीएसटी की मांग रही है गवर्नमेंट टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में, जिसकी वजह से सीएस का वर्क स्कोप बढ़ गया है, एक्स्ट्रा लोड उनके ऊपर आ गया है? जैसा कि अभी बताया गया था कि जीएसटी ये इनकम टैक्स ऑडिट के जो फॉर्मेट्स हैं वो गवर्नमेंट ने अभी 20-25 दिन पहले ही नोटिफाई किए हैं, और जिसमें कि उन्होंने जीएसटी संबंधी जानकारी मांगी है। व्यापारी या असेसी और जो चार्ट अकाउंटेंट है वो ये चाह रहा था कि ये जो ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट्स गवर्नमेंट ने मांगे हैं, ये अगर वो 1 जुलाई 2017 जब से कि जीएसटी लागू हुआ है तब से इम्प्लीमेंट करते, तो उसके अकॉर्डिंग असेसी, उनके अकाउंटेंट या सीए जो हैं वो प्रॉपर जानकारी मेंटेन कर पाते। अब चूंकि नए फॉर्मेट में ऐसी जानकारी मांगी गई है जो कि व्यापारी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते समय उन सबको प्रॉपरली बाइफरकेट नहीं किया था, तो अब उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है नए फॉर्मेट को देखते हुए कि उसको अपनी पिछली साल की बुक्स को भी वापस से इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है उस हिसाब से पूरा तैयार करना पड़ेगा। आपके हिसाब से वर्कलोड सीए का काफ़ी बढ़ गया है इसमें, और जो अकाउंट्स कंप्लीट हो चुके हैं उन पर भी वापस से वर्किंग एक बार करनी पड़ेगी जीएसटी के इफेक्ट को देखने के लिए। विवेक जी, आपको कहीं ऐसे कुछ लगता है इसमें, जैसे कई लोग बोलते हैं कि 20 अगस्त की कोई डेट है, 20 अगस्त से फॉर्म नोटिफाई हो पा रहे हैं, तो 20 अगस्त से पहले जो लोग टैक्स ऑडिट कंप्लीट करके फाइल कर देंगे वो पुराने फॉर्मेट में देंगे, नए फॉर्म का उन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्या कंसेप्ट है 20 अगस्त? जी, ये जो फॉर्म नया नोटिफाई हुआ है 3CD, जिसमें अब 50 क्लॉजेस ऐड हो गए हैं, इंक्लूडिंग जीएसटी और टीडीएस की भी विशेष डिटेल उसमें मांगी गई हैं, ये एप्लीकेबल हो रहा है 20 अगस्त से। अगर 20 अगस्त के पहले हम कोई फॉर्म अपलोड कर देते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे, तो वो मान्य रहेगी, तो उसमें ये जो सारी पेचीदगियाँ हैं सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की वो नहीं रहेगी। तो अगर 20 अगस्त से पहले ये ऑडिट अपलोड हो जाती है तो व्यापारियों के एक तरह से राहत मिलेगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 20 अगस्त से पहले जो केस अपलोड होंगे, डिपार्टमेंट ये मान के चल रहा है कि उन केसों में कहीं ना कहीं आदमी ने इन्फॉर्मेशन कम दी है पूरी नहीं, तो वो केस स्क्रूटनी में 100% आएंगे, ऐसा कुछ कंसेप्ट है? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये खाली भ्रम है लोगों का जी, ऐसा कुछ नहीं, खाली एक भ्रांति ऐसी चलती हुई आ रही है। जीएसटी के अलावा धीरे जी बात करें तो जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है उसमें अगर हम बात करें कैश की जो चीज़ आ रही है उसमें स्पेसिफिकली, अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन जो होते हैं फॉर्म 60 वाले, क्या उनसे रिलेटेड कोई चेंजेस आए हैं कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में फॉर्म 3CD में? जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने अपने आने के बाद जो कैश ट्रांजेक्शन थे उसको कम से कम करने के लिए हर भरपूर प्रयास किए, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो चाहे लेन देन को लेके है, तो उसी की जानकारी इस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में मांगी गई। स्पेसिफिकली जो स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन फॉर्म 60-61 के होते हैं उनसे रिलेटेड क्या चेंजेस आए, थोड़ा सा आप ये ब्रीफ करें। मेजरली उसमें ये आया था, जो चेंजेस आए गए थे कि कोई भी व्यापारी या कोई भी आदमी आज के टाइम पे 2 लाख से ऊपर की कोई भी चीज़ ना खरीद सकता है, ना किसी को कैश दे सकता है, ना ले सकता है, तो उन सब रिपोर्टिंग को इस टैक्स ऑडिट का एक पार्ट बना दिया गया है। और हर एसएससी को जिसने कि जो व्यापारी अपना काम कर रहा है, अगर उसने किसी भी अपने कस्टमर से या अपने किसी दूसरे व्यापारी को इस तरह से 2 लाख से ऊपर के कोई ट्रांजेक्शन किए हैं, तो एक सीए पे जिम्मेदारी डाल दी गई है कि वो उन सब चीज़ों को अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर रिपोर्टिंग करे और गवर्नमेंट को वो सबमिट करे। अच्छा, मतलब जो भी कैश ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो 2 लाख के लिमिट से ऊपर के कैश ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, वो सब आपको रिपोर्ट करने पड़ेंगे 3CD में, और जो 10,000 से ज़्यादा के खर्चे थे वो तो डिसअलाउ पहले ही हो गया। जी जी, वो 2 साल पहले ही गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट में प्रोविजन ला दिया था कि जो एक दिन में एक आदमी को जो खर्चे की लिमिट थी कि आप 20,000 तक का पेमेंट कर सकते हैं, उसको उन्होंने 2 साल पहले ही 10,000 रुपये पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। तो आज के टाइम पर कोई भी आदमी एक दूसरे आदमी को 10,000 से ऊपर का कैश पेमेंट नहीं कर सकता। विवेक जी, आप बताएं क्या वास्तव में आज जो बिजनेसेस हाउसेज हैं अभी भी 2 लाख के लिमिट आने के बाद भी कोई ट्रांजेक्शन ऐसे किसी बिजनेस हाउसेज में हो रहे हैं जिसमें कैश में 2 लाख से ज़्यादा के बिल हो या पेमेंट हो जो स्पेसिफिकली हमको यहाँ रिपोर्टिंग करने हो? बेसिकली ये सारा जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है ये एसएससी के ऊपर है जी। रूल 114 में इन्होंने डिफाइन करा हुआ है, SFT ट्रांजेक्शन्स उन्हें बोलते हैं, जिन भी व्यापारियों की टैक्स ऑडिट होती है उनको ये SFT रिटर्न भरना कंपलसरी होता है। उसकी 61A, 61B रिपोर्ट्स होती हैं, वो 31 मई तक फाइल हो जानी चाहिए एनुअली। अगर वो नहीं होती है तो उस पर 100 रुपये रोज़ और कुछ दिनों बाद 500 रुपये रोज़ की पेनल्टी उस पर लगाई जा सकती है। अब ये जिम्मेदारी व्यापारी पर है। टैक्स ऑडिट में इसका एक इम्प्लीकेशन आया है कि अगर व्यापारी ने ये रिटर्न नहीं भरी है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो उसे रिपोर्ट करे कि उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन नहीं दी है,
और जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने देनी चाहिए थी वो पूरी इन्फॉर्मेशन उस रिटर्न में दी है या नहीं दी है जी। तो अब इस तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। मतलब आपके हिसाब से इस नए प्रोविज़न के आने के बाद में सीए की जिम्मेदारी बढ़ गई है और सीए को बहुत ध्यान से अभी स्पेसिफिकली इस टैक्स ऑडिट को करना पड़ेगा। धीरज जी, अगर हम बात करें कि जो विदाउट बैंक ट्रांजेक्शन होते हैं तो किसी के अगर टैक्स ऑडिट अगर हो रही है और उसके बिजनेसेस में ऐसा कोई रिलेटेड है जहाँ विदाउट बैंक ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो उसको कैसे दिखाया जाए 3CD में? जी, इनकम टैक्स एक्ट में एक पहले से ही एक फॉर्म 60 और 61 पहले से प्रचलित है कि जिसमें भी जिस भी इन आदमी के पास अगर पैन नंबर नहीं है और वो एक ऐसे ट्रांजेक्शन किसी दूसरे आदमी के साथ कर रहा है कि जहाँ पे पैन को कोट करना मैंडेटरी गवर्नमेंट ने कर रखा है तो वहाँ पे उसको ये फॉर्म 60 फिल करके देना पड़ता था और व्यापारी को उस फॉर्म 60 की सारी इन्फॉर्मेशन सरकार को देनी पड़ती थी, इनकम टैक्स विभाग को। तो अब वो रेस्पॉन्सिबिलिटी अब सरकार ने चार्ट अकाउंटेंट को दे दी है कि वो भी उन सब केसेस को रिपोर्ट करे कि जहाँ पे व्यापारी ने ऐसे आदमी के साथ ट्रांजेक्शन किया है जहाँ पे उसने फॉर्म 60 दिया है और क्योंकि उसके पास पैन नंबर नहीं है, तो ये अब इन्फॉर्मेशन भी सब टैक्स ऑडिट में देनी पड़ेगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन सरकार ने मांगी है 3CD में। बिल्कुल बिल्कुल, जो पूरा 3CD आप देखेंगे जो नया बनाया गया है उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन जो कि केवल एक सब कुछ असेसी के पार्ट पे थी उसको सबमिट करना था, वो अब सब रिस्पॉन्सिबिलिटी असे डिपार्टमेंट ने चार्ट अकाउंटेंट में दा दी है कि ताकि वो चेक कर सके कि उसने वो इन्फॉर्मेशन टाइमली सबमिट की है या नहीं की है। सीए की जिम्मेदारी वापस से बढ़ गई है इसके बाद। अच्छा, इसमें एक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स का और कॉन्सेप्ट आता है, वो क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, ये डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग, इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो कि अभी काफ़ी व्यापारी लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और इवन हमारे जो कई सीए भाई हैं वो भी अभी तक इस पे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। पर चूंकि जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, सब व्यापारियों को, आप कई व्यापारी जो बाहर से ट्रेड करते थे उन्होंने अपनी कंपनियाँ अपने दूसरे पार्टनर्स के साथ या कहीं पे अपना वर्क स्टेब्लिश कर रखा है, पर वो उन कंपनियों के बारे में या उन कंसर्न्स के बारे में कभी भी अपने जयपुर में या अपने इंडिया में अपने सीएस को और अकाउंटेंट्स को नहीं बताते थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो सब चीज़ें जो अगर आपका कोई बैंक अकाउंट भी है, किसी आप कंपनी में डायरेक्टर हैं, वो आप ज़रूर अपने सीए को यहाँ पे बताएं और उस कंपनी यहाँ वाली कंपनी और आपकी अगर विदेश वाली कंपनियों में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसको ज़रूर अपने सीए को बताएं, और क्योंकि वो सब चीज़ें रिपोर्ट्स के अंदर मांगी गई हैं और उसकी भी एक अलग ऑडिट रिपोर्ट है जिसको कहते हैं 92E की रिपोर्ट, वो भी एसएससी को सबमिट करनी होती है और वो सबमिट करने की ड्यू डेट 30 नवंबर है, तो उसका भी ज़रूर व्यापारियों को ध्यान रखना चाहिए। जिन व्यापारियों का इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है, चाहे वो एक रुपये का इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो, उनको भी टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी और जो ITP सेक्शन 92 में लगता है वो प्रोविजन उनको फॉलो करने पड़ेंगे और उनके केस में उनकी डेट वो 30 नवंबर है। उस रिपोर्ट की डेट भी 30 नवंबर हो जाती है और ऑटोमेटिकली अगर उस रिपोर्ट में अगर आप फॉल करते हैं तो आपकी जो टैक्स ऑडिट की जो डेट है जो कि 30 सितंबर होती है वो भी ऑटोमेटिकली 30 नवंबर हो जाती है। विवेक जी, आपको लगता है कि जैसे ITR फाइलिंग की डेट जो 31 जुलाई थी उसको बढ़ा के सरकार ने 30 अगस्त कर दिया, तो टैक्स ऑडिट की जो डेट है अभी 30 सितंबर है, तो आपको लगता है जेन्युइनली, क्योंकि नए सारे प्रोविजन बहुत सारे ऐड हो गए हैं और सीए के ऊपर बर्डन ज़्यादा हो, क्या वो डेट भी एक्सटेंड होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जो अभी समय दिया गया है, कुछ तो पहले जो रिटर्न्स रुक गई थी अभी आनी, अब वो आनी चालू हो जाएंगी, तो सीए के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे लिमिटेड टाइम पीरियड में सारी ऑडिट्स कंप्लीट होंगी। मैं समझता हूँ एक महीना तो डेफर करनी ही होगी, अदरवाइज ये काम जितनी डिटेल इन्होंने मांगी है वो डिटेल इकट्ठा करना, उसकी तैयारी करना मुश्किल काम है। आपको ये भी लगता है कहीं कि जैसे पहले बहुत कम क्लोज थे, फिर 41 क्लोज हुए, अभी 50 क्लोज हो गए, तो डे बाय डे टैक्स ऑडिट में सीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है, तो एक जो सीएज है आज के यंगस्टर हैं, यंग सीएज हैं, आप बहुत एक्सपीरियंस हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से वो ऑडिट करें, क्या रिप्रेजेंटेशन वगैरह कैसे लें, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लें, कैसे करें ताकि वो अपने आप को सेफ गार्ड कर सकें और जब असेसमेंट में कभी केस आए तो क्लाइंट भी सेफ गार्ड हो और सीए भी सेफ गार्ड हो और सारा रूल्स के हिसाब से सारा काम हो? कोई भी ऑडिट का मतलब होता है टू चेक, कोई भी चेकिंग हो रही है और अकॉर्डिंग टू स्टेट्यूट हो रही है तो इनकम टैक्स के प्रोविजंस का तो पूरा नॉलेज होना ही चाहिए। एसएससी की बुक्स से उन प्रोविजंस को कैसे कोरिलेट करना है ये समय सिखा देता है। आपकी नॉलेज प्लस एसएससी की बुक्स की पूरी जांच, उसके बाद जो कमियां रह जाती हैं या कमियां नहीं कहें उसको, हम कहें जो भी लॉ उन्होंने शॉर्टकमिंग रही हैं उसको रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी सीए की होती है, क्योंकि सीए एक सरकार और एसएससी के बीच में सेतु का काम करता है। जहाँ तक सीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है,
बहुत सारी रिपोर्टिंग है, अगर हम क्लॉज सब क्लॉज सब मिला लें तो 3CD में 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जी। उन 100 क्वेश्चंस को एक CA सर्टिफाई कर रहा है सारा कुछ चेक करने के बाद, तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी CA के ऊपर है। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वहन करने के लिए जो असेसीज की बुक्स हैं या असेसीज के रिप्रेजेंटेशंस हैं उनको ही ध्यान में रखकर ये सारी ऑडिट होती है जी। तो यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए मेरा मशवरा यही है कि सभी चीज़ों में सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए रिप्रेजेंटेशन लेटर ज़रूर लें जी। जो भी कमी लग रही है उसको छुपाएं नहीं या छोड़े नहीं, उसको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है जी। वरना परेशानी आ सकती है, छोटी छोटी कमी भी आगे जाके वो नासूर बन सकती है। अगर हम बात करें एक शॉर्ट में कि क्या नई चीज़ जैसे GST आपने बताया है और साथ में क्या नया इंपॉर्टेंट इशू है या TDS या कुछ ऐसा जिसका विशेष रूप से हमारे जो CA भाई हैं वो ध्यान रखें टैक्स ऑडिट करते समय, थोड़ा गाइड करें। जैसा कि बताया कि GST और TDS ये दो एक ऐसे बड़े टैक्सेस हैं जो कि साल भर कुछ ना कुछ चलता रहता है। इनकम टैक्स का रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट तो एक बार जाती है, पर TDS रिटर्न और GST मंथली या क्वार्टरली चलते रहते हैं। तो उन्हीं को देखते हुए सरकार ने इस बार जो TDS के नियम और GST के नियम को देखते हुए टैक्स ऑडिट में भी काफ़ी चीज़ों के चेंजेस करते हुए उनके बारे में रिपोर्टिंग मांगी है। जैसा कि TDS रिटर्न से संबंधी मैं बताऊं, तो पहले सरकार केवल ये पूछती थी कि अगर आपने अपना TDS रिटर्न भरा है या नहीं भरा है। अब सरकार ने ये दायित्व CA पे ये और डाला है कि वो ये भी बताए कि अगर भरा है तो उसमें भरते समय क्या कमियां रह गई है। जैसे कि मैं बताऊं कि TDS जैसे इंटरेस्ट और कमीशन पे तो कटता ही है, हमें TDS रिटर्न भरते समय ये रिपोर्ट करना पड़ता है कि किस जैसे ट्रांसपोर्टर्स का पेमेंट करते समय या जिनका हमने TDS नहीं काटा है जिसे कहते हैं 15G और H सबमिट करने पे, वो सारी डिटेल्स भी TDS रिटर्न में देनी पड़ती है। पर मैं मानता हूँ कि 80% से ज़्यादा व्यापारी या CA उन डिटेल्स को भी TDS रिटर्न्स में रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। तो अब ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आने से अब वो चीज़ जब वो सिस्टम पे डालेंगे तो फिर गवर्नमेंट को फिर उन चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि क्या क्या रिटर्न्स में कमियाँ रही है। वैसे ही GST में, GST आने के बाद इन्होंने ऑडिट क्लॉज के अंदर जितने भी एक्सपेंडिचर्स आपके हुए हैं पीएनएल अकाउंट में और जिन पे भी GST लगता है उन सब का बाइफर्केशन मांगा है कि आपने GST की खरीद करते समय रजिस्टर्ड व्यापारी से खरीदा है, कंपोजिशन वालों से खरीदा है, या कोई एग्जेम्प्टेड मटेरियल खरीदा है, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो कि GST के एम्बिट में आ ही नहीं रहे हैं। तो इन सब का बाइफर्केशन GST को देखते हुए गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स रिपोर्ट के अंदर मांगा है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि इस बार टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को करते समय CA को और व्यापारी को ध्यान रखना पड़ेगा। विवेक जी, आपको ये लगता है कि आज एक कॉमन मैन, एक व्यापारी है वो, या एक CA भी है जिसकी खुद की भी टैक्स ऑडिट हो रही है, टैक्स ऑडिट नहीं भी हो रही है, तो क्योंकि GST भी आ गया है, TDS के लॉ बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, ओवरऑल कंप्लाइंसेस पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो किस तरह से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करें कि वो सेफ रहे, या ऑडिट किस तरह से CA करें कि उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आए? सभी व्यापारियों को या प्रोफेशनल्स को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे मेंटेन रखनी चाहिए। उनके सेल बिल्स, परचेज बिल्स, खर्चों के वाउचर्स, स्टॉक रजिस्टर्स, ये सभी में इंदराज रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। वो खाली ऑडिट के लिए ही नहीं, उनके बिज़नेस के लिए भी फ़ायदेमंद है। एक तो उनको अपनी स्थिति का पता चलता है, दूसरा कभी कोई सर्वे या सर्च हो जाए और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट हैं तो आप पे दिक्कतें कम आएंगी, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, रखना होगा जी। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि कंप्लाइंसेस पार्ट जो है वो बहुत बढ़ गया है और व्यापारी कंप्लाइंसेस पार्ट सारा जो पार्ट रहता है वो कहीं ना कहीं जाके CA की सहायता से उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो आज के समय में जो CA है उसकी लायबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी, उसका दायित्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम GST की बात करें या टैक्स ऑडिट की बात करें, तो मेरा सभी CA भाइयों से ये अपील है कि वो पूरी तरह से देख बूझ कर समझ कर टैक्स ऑडिट कंप्लीट करें, जो प्रोविजन है पूरा उसको रिपोर्टिंग करें, ताकि कहीं भी अगर कोई चूक होती है तो उनकी जिम्मेदारी उसमें नहीं रहे। दोस्तों, मुझे लगता है कि आज की जो इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कशन करा टैक्स ऑडिट पे बहुत यूज़फुल रही होगी आपके लिए। आगे भी बहुत जल्दी हम लोग इसी तरह का कोई नया प्रोग्राम आपके लिए लेके आएंगे, नए सब्जेक्ट, नए टॉपिक के साथ में। तब तक केवल यही कहना चाहूँगा कि टैक्स ऑडिट, इनकम टैक्स, GST का बहुत सावधानी से प्रोविजंस को पूरा करके आप लोग पालन करें। जिम्मेदारी हमारी अपनी है, जिम्मेदारी हमको पूरी करनी पड़ेगी, सावधान हमको रहना पड़ेगा, डिपार्टमेंट के प्रोविजंस को, इनकम टैक्स को पूरा करना पड़ेगा, कंप्लाइंस को पूरा करना पड़ेगा।
अगले प्रोग्राम तक के लिए धन्यवाद। आपका अपना दोस्त सी अभिषेक शर्मा सिटी लाइफ के लिए।